रोहतक दौरे पर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में दो तरह की विचारधारा है। एक ओर नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मान रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष परिवारवादी राजनीति कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत का स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना है, 3 तलाक और राम मंदिर के लिए निर्माण समेत कई फैसले शामिल हैं। आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा और आसान होगी और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरा पश्चिम उत्तर पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जितना प्रोपोगंडा एक दूसरे को जितना भला बुरा कह सकते हैं उतना भला बुरा कह रहे हैं, और हरियाणा में गठबंधन में है, दिल्ली में गठबंधन में है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। और ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अटक से लेकर कटक तक आज जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव को अपने हाथों में ले रहे हैं। और इनको भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अमेठी, जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, उस सीट पर उन्होंने पर्चा दाखिल करना, वहां से चुनाव लड़ना वो हिम्मत नहीं कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने